कर रख दिया बारे वक्त। अरे लोगों जब इंसान का वक्त बिगड़ता है ना तो कोई साथ नहीं देता है। हे भगवान, इंसान की जिंदगी देख करके इंसान के सामने ऐसी खड़ी मजबूरियां मत करना जो अपनी जिंदगी से हाथ धोने के लिए मजबूर हो जाए। आज मैया देव की जेल के बीच में फिलक रही है, अपने पति के चरणों से लिपट करके कहने लगी है, नाथ नाथ देव की रोवे जेल में, करी करी सब बने को याद, मैया रोवे जेल में, करी करी सब बने को याद। सोच रही है भगवान, हमका 56 प्रकार के व्यंजन करती थी, आहा आज समय ने कहा मोड़ करके रख दिया, कहा मोड़ करके रख दिया, जेल में खाना नहीं बनता, जेल में खाना नहीं बनता, मथुरा की जेल खानों में बिलख रही है। वसुदेव समझा रहे हैं, देवी रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जन्म तय कर्म को साथी इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, धैर्य को धारण करो, भगवान सब संभाल लेगा। समय पा करके मेरे भागवत के श्रोताओं, मैया देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, उस प्रथम पुत्र का जन्म होते होते वसुदेव जी को दिया। मैं अति संक्षेप बहुत जल्दी कर रहा हूँ, और वो पुत्र वसुदेव जी महाराज लेकर के कंस के पास पहुंचे। कंस ने प्रथम पुत्र समझ करके छोड़ दिया, दया आ गई, तो देवताओं ने विचार किया यदि पहला पुत्र इसने छोड़ दिया, यदि इसे दया आती गई तो भगवान इस भूतल पर अवतार नहीं लेंगे, अत्याचार पड़ता रहेगा, जब जब हो ए धर्म की हानि। कभी कह रहा है जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। अब देवर्षि नारद को देवताओं ने भेजा, बोले तुम चले जाओ और उल्टा पहाड़ा पढ़ा करके आओ, 8 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प ले जा करके कंस के पास में पहुंचे। कंस से कहा है, कंस हे अब क्या चिंता की बात है, तुम्हारा काल तो मारा गया होगा। कंस कहने लगा, अभी कोई काल पैदा ही नहीं हुआ, मरगा से गया। देवर्षि नारद बोले, इसका मतलब कोई लड़का पैदा ही नहीं हुआ। कंस बोला, हुआ एक हुआ। तो तुमने मार दिया? नहीं नहीं। क्यों? बोले पहला लड़का था इसलिए मेरा काल तो 8वां लड़का है। पागल हो तुम, क्यों बड़े भोले हो तुम? मतलब कमल का पुष्प जो लिया है जिसमें 8 पंखुड़ियां थी और कहा इनकी पंखुड़ियों को गिनना मेरे लाल, तो कंस ने पहली पंखुड़ी को गिनना शुरू किया है। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले बाबा नारद इसमें 8 पंखुड़ी हैं। बोले मेरे लाल ये पहली वाली पंखुड़ी को छोड़ करके दूसरी वाली से गिनना। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8।
बाबा नारद ये भी आठी हो रही है। बोले तीसरी वाली तो गिन, हर पंखुड़ी से गिनवाया है तो हर पंखुड़ी आठ हो जाती है और हर पंखुड़ी एक हो जाती है। देवऋषि नारद ने कहा हो सकता है कि आठवां लड़का कोई पहला लड़का बन के आ गया हो, कंस फिर क्या होगा। कंस कहने लगा बात तो तुम ठीक कहते हो नारद, इसका मतलब हम मारते बच्चे को। मैं नहीं कह रहा हूँ, हम काहे को कहूँ, तुम्हारा मन मारो चाहे छोड़ो। कंस डर की वजह से भागा और वो बच्चे को मां खिला रही थी, अपने भैया को दुआएं दे रही थी, लेकिन प्यारे भक्तों उस पापी ने भाग करके बेटे के पैरों को पकड़ करके चट्टान से मार दिया, जो मांस के लोथड़े लोथड़े उड़ गए, बोटी की बोटी बिखड़ गई। मैया बिलखती रही, रोती रही, चिल्लाती रही, ओरे पापी तेरा सत्यानाश होगा, तू बेमौत मारा जाएगा, तूने मेरे प्रथम बच्चे पर दया नहीं की है। मेरे भागवत के श्रोताओं, इसी प्रकार कंस ने छह बच्चों का वध किया है। देवकी के गर्भ से छह बच्चों ने जन्म लिया, कंस ने बारी बारी से बच्चों को खत्म कर दिया। बाल हत्या से बड़ी हत्या कोई दुनिया में हो नहीं सकती है, ये सबसे बड़ा महापाप है। अब सातवें गर्भ में शेष नाग चले हैं, माता देवकी के साथ में गर्भ में शेष नाग चले हैं। भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा उस गर्भ को खींच करके मैया रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया, जो वसुदेव की दूसरी पत्नी है। उसके गर्भ में प्रवेश कर दिया और ये नंगर में आवाज फैल गई है कि सातवां गर्भ खंड तो गया। कंस बड़ा खुश हुआ, सोच रहा है कि हमारे डर की वजह से अब तो गर्भ भी खंड तो होते चले जा रहे हैं, बड़ा खुश है। लेकिन भगवान ने अपनी प्रबल माया को दिखा दिया, क्यों कि मौत का समय जो निश्चित है वो सही समय पर आएगी, और जिस समय मौत आ जाएगी वो घड़ी न टल नहीं पाएगी। अब भगवान की प्रबल माया अपना असर दिखा रही है। आठवें गर्भ में भगवान स्वयं चले हैं, हुआ ऐसा एक कवि कह रहा है कि आठवें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ कंस के यहाँ तैयारी है, राजा स्वयं पहरेदारी पे उत जेल में बैने बिचारी है। अब तो कंस के यहाँ बहुत अच्छी तरीका से तैयारियां होने लगी है। अरे एक पहरेदार लगा था वहां, चार चार पहरेदार लगा दिए। अरे एक एक ताले की जगह दस गुजराती ताले लगवा दिए गए हैं। मथुरा की जेल में नौ दरवाजों के अंदर वसुदेव को बंद करा गया और देवकी को हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ दिया। मैन दरवाजे पर स्वयं राजा पहरेदारी कर रहा है कि काल कहीं पैदा होकर के कहीं से निकल न जाए। बहुत कड़ी तैयारी है। वसुदेव और देवकी बिलक रहे, भगवान का भजन करते हैं, चिंतन करते हैं। दीन बंधु अब तो लाज रखना। श्री सुखदेव भगवान समझा रहे हैं, दीवार पर एक पार ब्रह्म परमात्मा चतुर्भुजी भगवान की प्रतिमा चमक रही है।
ये 100 रुपया श्री कृष्ण नहीं, ये 100 रुपया जो विपिन लोधी की तरफ से, ये 100 रुपया विपिन लोधी की तरफ से जो जसराना से आए हैं और कह रहे हैं कि श्री कृष्ण मेरे बरिया भाभी चल था तुम्हें का बात है गई बनोरिंदो देवरिया। ये 100 रुपया श्रीमान विपिन लोधी की तरफ से आए हैं। भगवान ने सुख शांति दे और धर्म के मार्ग पर आने को बढ़ाते रहे। बोल गोविंद भगवान की। महाराज अपनी तैयारी करवाओ। रामायण अच्छा ठीक है सुना बड़े प्रेम से बोलेंगे। अरे श्री कृष्ण मेरा देवरिया भाभी चलता।